आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F414 इंजन को लेकर के आई एक नई अपडेट के बारे में। कल हम सब ने देखा कि कैसे राफेल फाइटर्स के क्षेत्र में हमें एक बड़ा एडवांटेज मिला। हालांकि ये नेटवर्क बाधित होने के कारण वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन आपको बताते चले कि एक तरफ जहाँ फ्रांस के साथ राफेल एम फाइटर्स की डील अब ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, तो वहीं जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी एक बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिला है और अमेरिकी सरकार की तरफ से एक बड़ी हरकत सामने आई है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका का दौरा किया था, तभी ये चीज़ कंफर्म हो गई थी कि जेट इंजन डील को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीच में जनरल इलेक्शन पड़ गए। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने थर्ड टर्म की शुरुआत करी, तो यहाँ पर जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है अब इनको फास्ट ट्रैक करने का कार्य किया जा रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की डील, क्योंकि ये वो इंजन होंगे जो कि तेजस मार्क 2 से लेकर TBF तक जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको पावर करने का काम करेंगे। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। अब अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर पहले ही कंफर्म हो चुका है कि जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से जो प्रपोजल है ये आगे बढ़ाया गया था। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय जो US कांग्रेशनल अप्रूवल है ये इस पूरे के पूरे प्रपोज डील को मिल चुके हैं, यानी US कांग्रेस से अब इस डील को सहमति मिल चुकी है। अब अगला जो स्टेप इसमें होने वाला है वो प्राइस निगोशिएशन का होगा, जिसके लिए जो प्राइस निगोशिएशन कमेटी है इनके बीच में बातचीत होगी। और माना जा रहा है कि या तो इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में ही इस पे कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। किसी भी डिफेंस डील में जो प्राइस निगोशिएशन है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यहीं पे डिसाइड होता है कि इंजन की कॉस्ट क्या रहेगी और जो दूसरे पार्ट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी या कैसे कैसे भारत को प्रोग्राम आके लेके जाना है, इन सब विषयों पर बात की जाएगी। अब भारत तकरीबन ये मान के चलिए कि 400 F414 इंजन को खरीदने वाला है। हालांकि इनमें से जो इंजन से ये लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और सबसे पहले आप इनको तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट में देखेंगे, उसके बाद आप इनको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 वेरिएंट में देखेंगे। और अगर रिपोर्ट सही है और सोर्सेज ने सही कहा है तो HLFT-42 पहला ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा जो कि आपको F414 इंजन से पावर्ड होता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा TBF के जो इनिशियल वेरिएंट है ये भी आपको F414 इंजन से ही पावर होते दिखाई पड़ेंगे। हाँ, इसमें एक सेटबैक जरूर है कि भारत ने TOT की डिमांड तो करी थी, जहां पर भारत को अप्रूवल मिल भी चुका है, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा संशय था कि क्या अमेरिका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने के लिए तैयार हो जाएगा और एक्सपोर्ट राइट देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी तक जो न्यूज सोर्सेज हैं उनसे जो चीज़ें पता चली हैं उसमें ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक IPR राइट को सिक्योर रखेगी अपने पास, यानी भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस इंजन के नहीं मिलने वाले। यानी मान लीजिए इसका अर्थ ये है कि भारत आने वाले भविष्य में ये चाहे कि किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की जाए तो ये बिना अमेरिकी परमिशन के नहीं होगा, इसमें हमें अमेरिकी सहयोग की डिमांड करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम किसी प्रकार का अपग्रेड भी बिना परमिशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत को इसके राइट्स नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा एक्सपोर्ट राइट को भी सिक्योर रखा गया है, भारत को इंजन का एक्सपोर्ट राइट भी नहीं मिला है। यानी कि अगर भारत इन इंजन के साथ कहीं भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है और मान लीजिए उस देश के संबंध अमेरिका के साथ अच्छे नहीं है, तो इसमें भी अमेरिका अड़ंगा लगा सकता है। यानी भारत को सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अपने एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए अमेरिकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सारे विषयों को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इनिशियल डिलीवरी की लोकली मैन्युफैक्चर्ड F414 इंजन की, तो HAL के प्लांट से ऐसा माना जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 वर्ष के अंतर्गत जो पहला इंजन है ये रोल आउट कर दिया जाएगा। यानी HAL तकरीबन 3 साल के अंदर जो इंजन है इसको रोल आउट करना शुरू करेगी और यहीं से भारत की सेल्फ रिलायंस की जो जर्नी है इसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो यह सेल्फ रिलायंस हमको नहीं देगा। हाँ, यह है कि इससे हमें एक्सपर्टीज और अनुभव मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अभी हमें इंडिजिनस इंजन पे फोकस करना चाहिए। अब अगर हम कुछ की फैक्टर्स को डिस्कस करें कि F414 के साथ हमें और क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो आइए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, F414 इंजन एक रिलायबल और प्रूवन इंजन है जो कि तकरीबन 2 दशक से ज्यादा से अमेरिकी नौसेना के F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर कर रहा है और इसकी काफी तारीफ भी होती है, क्योंकि F414 इंजन अपने एक्सेप्शनल थ्रॉटल रिस्पांस के लिए जाना जाता है और अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी ये काफ़ी यहाँ पर बहुचर्चित है। सबसे खास बात यह है कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड इंजन परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से जब भी पायलट को जरूरत होती है तो वो फुल पोटेंशियल में इन इंजन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
F414INS6 वेरिएंट जो भारत को ऑफर किया गया है, इसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि ये इंजन ही इकलौता है जो इस समय तेजस मार्क टू के लिए सबसे सूटेबल है, और यही कारण है कि इस इंजन को भारत के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। इन इंजन के साथ हम तेजस मार्क टू को उसके फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी प्रकार के जो पावर ड्रॉप है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। अब जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने MOU साइन कर रखा है, जहाँ पर इनका निर्माण भारत में किया जाएगा और 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर इनके साथ मिलने वाली है। ये डील न सिर्फ हमें इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रदान करेगी, बल्कि इस डील के माध्यम से भारत में बहुत सारी क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका प्रदान करेगा, और इससे हमारा जो अनुभव है इस क्षेत्र में ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर हम की बेनिफिट की बात करें कि हमें जो 80% टेक्नोलॉजी मिल रही है अमेरिका से, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल भारत इन टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने खुद के जो इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको फास्ट ट्रैक कर सकता है, और US, रशिया, फ्रांस और UK की लिस्ट में खुद को लिस्टेड करवा सकता है। इसके अलावा ये जो डील है ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये अमेरिकी कंपनियों के साथ हमारा जो हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट है इसको बना के रखेगी। और यहाँ पर अगर हम की टेक्नोलॉजीज की बात करें जो ट्रांसफर की जा रही हैं, उसमें सबसे पहले होगी हमें स्पेशल कोटिंग देखने को मिलेगी, कास्टिंग एंड मशीनिंग ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स देखने को मिलेगी, ब्लिस्क मशीनिंग देखने को मिलेगी, फ्रिक्शन इनर्शिया वेल्डिंग देखने को मिलेगी, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट देखने को मिलेंगे, सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट देखने को मिलेंगे, और जो लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है ये भारत के साथ शेयर करी जाएगी, जिसे इंजन निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत के इंडिजिनस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी असिस्ट करने के लिए राजी हो गई है, यानी भारत को अगर किसी प्रकार का सहयोग चाहिए होगा तो भारत जनरल इलेक्ट्रिक से उसकी डिमांड कर सकता है। आपको बताते चलें कि सिर्फ F414 इंजन तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और TETBF के लिए ऑफर नहीं किए गए हैं, बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक ने इसका इम्प्रूव वेरिएंट जो कि F414ECE है, यानी कि या EPE आप उसको कह सकते हैं, इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन, उसको भी एमका मार्क 2 के लिए ऑफर किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि कोर को अपग्रेड करके वो F414 इंजन के थ्रस्ट को इंक्रीज करके 110 से 116 किलोमीटर तक कर सकते हैं, जो कि हमारे जो एमका मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन भारत इस पे इंटरेस्टेड नहीं है, और माना जा रहा है कि हमारी जो डिफेंस डील है ये जनरल इलेक्ट्रिक के साथ आगे ना बढ़ करके सैफरान के साथ आगे बढ़ सकती है, और सैफरान के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी, और शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी इंजन फैसिलिटी पर वर्क करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर इनका निर्माण भी शुरू कर लिया जाएगा। ये इंजन निर्माण जितनी जल्दी होंगे हमारे जो तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन है उनको हम उतना ही फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, उतना ही इन्हेंस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।